करवार, वेलकम टू आवर चैनल एचपी एकेडमी। दोस्तों दोस्तों हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट कब आने वाला है ग्रुप रेलवे एएलपी का। तो दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेलवे एएलपी का, मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा दोस्तों कैसे कब आ रहा है आपका रिजल्ट रेलवे एएलपी का। दोस्तों तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं क्या आया है न्यूज़ में, तो वो भी देख लेते हैं दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये पत्रिका.com पर ये आया है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पत्रिका.com पर यह आया कि रेलवे एएलपी एग्जाम 2018 रिजल्ट जल्द हो रहा है जारी, इतने प्रतिशत अंक वाले होंगे पास। तो दोस्तों मैं ये सब सारी खबरें बता देता हूँ आपको, क्या है रिजल्ट जल्द है जारी, इतने प्रतिशत अंक वाले होंगे पास। तो चलिए दोस्तों मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए होंगे पास, तो यहाँ पर पढ़ के देख लेते हैं दोस्तों, एएलपी एग्जाम 2018 रिजल्ट जल्द जारी किया जा रहा है। इस भर्ती में स्टेज टू मतलब सीबीटी टू परीक्षा के लिए लगभग 9 लाख उम्मीदवारों को पास किया जाना चाहिए जाना है जाएगा और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आरआरबी एएलपी रिजल्ट किसी भी समय जारी किया जा सकता है। यह रिजल्ट ऑनलाइन रीजन वाइज वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवार अपना रिजल्ट रोल नंबर के अनुसार देख सकते हैं और इस रिजल्ट के बाद दूसरी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। आरआरबी की ओर से जानकारी दी गई है कि इस भर्ती परीक्षा में के लिए 15 गुना ज़्यादा उम्मीदवार पास किए जाएंगे, मतलब 15 प्रतिशत मतलब ये गुना ज़्यादा मतलब आपको बनते हैं इसमें 9 लाख अभ्यर्थी 9.5 लाख अभ्यर्थी पास किए जाएंगे इसमें। कि दोस्तों यार आपको बता दें कि ये इतने उम्मीदवार पास किए जाएंगे 9,65,565 अभ्यर्थी पास किए जाएंगे, 47 लाख उम्मीदवारों ने दी थी परीक्षा। ठीक है, और देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 26,502 से बढ़कर 64,373 उन्हीं पदों की संख्या, तो 26,000 से 64,373 भर्ती हुई थी, पदों की संख्या बढ़ गई थी जैसा कि आपको पता है दोस्तों। और भी मैं आपको बता देता हूँ, हाँ इतने प्रतिशत नंबर लाने पर होंगे पास, तो रेलवे के असिस्टेंट लोगों को पहले टेक्नीशियन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। तो इस भर्ती में जनरल कैटेगरी के 40% और एसटी कैटेगरी को 25% और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए पास 30% थे, तो 30% फीसदी अंक लाने होंगे। तो दोस्तों जिसमें कि इतने भी मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं स्टूडेंट्स के 30% और 40%, तो मुझे नहीं लगता कि दोस्तों इसकी जो है कट ऑफ है और कम जाएगी, पर मिनिमम क्वालिफाइंग से भी कम जाएगी, मेरा मानना ये है दोस्तों, क्योंकि इतने पास नहीं हो पा रहे हैं और इनको 9,65,565 अभ्यर्थी पास करने हैं। तो और दोस्तों इसमें क्या खबर है, मैं आपको ये रिजल्ट जो है जल्द जारी होगा, ये तो न्यूज़ है आपकी। ठीक है, और इसी में न्यूज़ आपकी ये भी आई है दोस्तों, जैसे कि ये रेलवे एएलपी टेक्नीशियन भर्ती का रिजल्ट 1 अक्टूबर को होगा जानी। दोस्तों देखिए 1 अक्टूबर को आपका रिजल्ट जारी होने की आशंका है और एक्सपेक्टेड है, ये पत्रिका.com ने कहा है और उनसे बात करके। तो जैसा कि आप जानते हैं उसको भर्ती परीक्षा 2018 रिजल्ट 1 अक्टूबर को जारी किया जा सकता है, तो 1 अक्टूबर को जारी करने के रूप लेकर ऑनलाइन मीडिया सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा में रिजल्ट जल्दी से जल्दी यानी 1 अक्टूबर को जारी किया जा सकता है। और दोस्तों इसमें क्या है आपकी, मैं एक्सपेक्टेड हाँ एग्जाम आंसर की तो आपको बताई है, आंसर भी आ चुकी है और ये सारी न्यूज़ है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए दोस्तों और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेलवे और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको न्यूज़ एंड आपको स्टडी मटेरियल्स मिलेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।